नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। हर महीने एक निश्चित समय पर ग्रहों का गोचर सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव डालता है। इस बार दिसंबर महीने में कई बड़े ग्रह गोचर करने जा रहे हैं। 3 दिसंबर को बुध ग्रह धनु राशि में गोचर करने जा रहा है। व्यापार और बुद्धि के दाता बुध 3 दिसंबर को धनु में गोचर कर जाएंगे। बुध के धनु में गोचर करने से भद्र राजयोग का निर्माण हो रहा है। ये राजयोग 3 राशि वालों के लिए शुभ साबित होने वाला है। आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में। मिथुन राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह के धनु राशि में गोचर करने से भद्र राजयोग का निर्माण होगा, जो कि मिथुन राशि के जातकों के लिए काफी शुभ है। बता दें कि ये गोचर इस राशि के जातकों के सप्तम स्थान पर होने जा रहा है, जिसे वैवाहिक जीवन और साझेदारी का भाव माना जाता है। ऐसे में इस समय आपको साझेदारी के काम में सफलता हासिल होगी। वहीं प्रेम संबंधों के लिए भी ये समय अच्छा है। पार्टनर के साथ भी अच्छा वक्त बिताएंगे। शादी योग्य लोगों के लिए समय काफी सुफलदायी है। वृष राशि। बुध का धनु में प्रवेश से भद्र राजयोग का निर्माण हो रहा है। वृष राशि वालों के लिए ये समय काफी अनुकूल रहेगा। बता दें कि ये रोज राजयोग इस राशि वालों के 8वें भाव में हो रहा है। यह स्थान आयु और गुप्त रोग का माना जाता है। ऐसे में इस समय आपको किसी पुराने रोग से छुटकारा मिलेगा। रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए भी समय काफी शुभ है। वहीं अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो समय अनुकूल है। इतना ही नहीं, समय कारोबार को भी विस्तार किया जा सकता है। मीन राशि। ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार मीन राशि के जातकों के लिए भद्र राजयोग लाभदायी है। बता दें कि बुध ग्रह इस राशि के 10वें भाव में हो रहे हैं। इसे नौकरी और कार्य क्षेत्र का स्थान भी माना जाता है। ऐसे में इस समय कोई नई नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है। वहीं कारोबारियों के लिए ये समय अच्छा है। इस समय धन लाभ होगा, साथ ही इस समय आय में भी खास वृद्धि हो सकती है। भाग्य का साथ मिलेगा।